एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक ब्यूटीफुल बेबी ड्रेस बनाना सीखेंगे। कितने ब्यूटीफुल बेबी ड्रेस है, आज हम इसी ड्रेस को बनाना सीखेंगे। ये ड्रेस हमने 1 से 2 ईयर बेबी गर्ल के लिए बनाई है। चेस्ट है हमारा 10.5 इंच। इस ड्रेस ओढ़ने के बाद टोटल 11.5 इंच कवर होगा। एंड लेंथ है टोटल फ्रॉक की हमारी 15 इंच। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। एंड अगर आपको सेम फ्रॉक 6 to 9 month बेबी के लिए बनाना है, एंड इससे बड़ी फ्रॉक बनानी है 12 to 28 month बेबी के लिए बनाना है, तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है। मैंने पूरा मेजरमेंट बताया है इससे छोटी फ्रॉक बनाने के लिए एंड इससे बड़ी भी फ्रॉक बनाने के लिए, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं एंड मेरी वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी बनाई हुई बेबी ड्रेस आपको कैसी लगी। एंड ये बेल्ट, इस बेल्ट का वीडियो मैं बहुत जल्द ही अपलोड कर दूँगी, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल बेबी फ्रॉक को बनाना। फ्रेंड्स, अगर आप ये फ्रॉक 1 से 2 ईयर बेबी के लिए बना रहे हैं एंड इससे बड़ी बनानी है, तो आपको 200 to 250 ग्राम के आसपास समथिंग वूल लग जाएगी। एंड अगर आपको 6 to 9 month बेबी के लिए बनानी है, तो 150 ग्राम वूल लेनी है। एंड हमें यहाँ 4 मार्कर लेने हैं, देखिए हुक नंबर लेने हैं। स्टार्टिंग में हम 7 नंबर का हुक का यूज़ करेंगे, 4.0 mm है। एंड नीचे का जो पैटर्न बनाएंगे, इसके बाद 2 रो के बाद जो पैटर्न बनाएंगे हम 6 नंबर के क्रोशेट हुक से बनाएंगे, 3.5 mm। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपको 6 to 9 month बेबी के लिए बनाना है, तो कैसे बनाना है ये मैं आपको वीडियो के आगे बताती जाऊंगी। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। वर्धमान की हमने 2 ply की वूल ली है, तो हमने मेन कलर है, ये क्रीम कलर का मेन कलर है। एंड ये तो हमने 2 कलर यूज़ किए हैं, आप जो भी कलर आपकी चॉइस हो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये वर्धमान की 2 ply की वूल है। चलिए फिर सबसे पहले हम स्टार्टिंग फाउंडेशन चैन बनाएंगे 7 नंबर के क्रोशेट हुक से, 4.0 में। तो हमको 64 चैन बनानी है। ये देखिए, हमने 64 चैन बना के रेडी कर ली। ये हमारी फाउंडेशन चैन रेडी हो गई बनके। अब हम 1 चैन लेंगे, 1 या 2 चैन एक्स्ट्रा लें हमेशा, बाद में जब हमारी बच जाएगी तो हम उसको ओपन कर देंगे लास्ट में। तो 1 चैन लेंगे, 64 चैन के बाद हमने 1 चैन ली। अब नेक्स्ट चैन से, ये देखिए 1 स्किप करके नेक्स्ट से 2nd चैन से हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, 1, नेक्स्ट में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हमने 8 सिंगल क्रोशेट बनाए। नेक्स्ट में 8 बनाने के बाद अब हम कॉर्नर बनाएंगे, 9। तो ये हमारा कॉर्नर है फर्स्ट। तो यहाँ पे मार्क लगाएंगे, फर्स्ट कॉर्नर है, ये देखिए। 8 के बाद हमने जो 9 सिंगल क्रोशेट बनाई है वो हमारा फर्स्ट कॉर्नर है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे बनाना, काउंटिंग मार्कर के बाद ही स्टार्ट करेंगे। तो फिर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14. तो ये मार्कर के बाद हमने काउंट की 14 सिंगल क्रोशेट नेक्स्ट बनाएंगे। ये हमारा कॉर्नर 15, तो ये कॉर्नर है सेकेंड कॉर्नर। नेक्स्ट हम था अपना यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे काउंटिंग करना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 डबल सिंगल क्रोशेट बनाए हमने। अब हम 17 बनाएंगे। तो ये हमारा थर्ड कॉर्नर है 16 के बाद हमने कॉर्नर बनाया, ये थर्ड कॉर्नर है। नेक्स्ट काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो अब हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1। अब 14 बनाएंगे। 14 के बाद हम अपना थर्ड फोर्थ कॉर्नर बनाएंगे। तो 14 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो 1 ऑलरेडी बन चुकी है, 15 बनाएंगे, सॉरी 1 बन चुकी है, 13 बनाएंगे सिंगल क्रोशेट। ये देखिए हमने 14 सिंगल क्रोशेट बना के कंप्लीट किए। नेक्स्ट 15, तो ये हमारा फोर्थ कॉर्नर है, मार्क लगाएंगे। कंटिन्यू 8 चेन बनाएंगे, 8 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। तो ये हमारी स्टार्टिंग की 2 रो बन के कम्प्लीट हुई। कॉर्नर है, 4 कॉर्नर बन के रेडी हो गए। अब हम 6 to 9 मंथ बेबी के लिए कैसे लेना है बनाना है। स्टार्टिंग की 2 चैन हमें, सॉरी फाउंडेशन चैन एंड सिंगल क्रोशेट की रो हम बनाएंगे 6 to 9 मंथ बेबी के लिए। बता रही हूँ अभी मेजरमेंट इसका। तो 6 नंबर के क्रोशेट हुक से हमें ये 2 रो बनानी है 3.5 mm, ये देखिए। एंड इसके बाद जब हम नेक्स्ट रो थर्ड रो स्टार्ट करेंगे, पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे 6 to 9 मंथ बेबी के लिए, तो 5 नंबर का क्रोशेट हुक लेंगे 3.0 mm का है। 5 नंबर का क्रोशेट हुक से पूरी फ्रॉक बना के कंप्लीट करेंगे। बट हमें ओनली 2 रो ही सिर्फ 6 नंबर का क्रोशेट हुक से बनाना है। सेम चैन लेनी है, 64+1 चैन से बनाएंगे। स्टार्टिंग से 150 ग्राम वुल हमारी लग जाएगी। तो हमने 6 to 9 मंथ बेबी का मेजरमेंट बताया। अब हम अपनी नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे बनाना। तो नेक्स्ट रो हम ये फ्रॉक हम 1 से 2 ईयर बेबी के लिए बना रहे हैं। तो 2 रो स्टार्टिंग की हमने 7 नंबर का क्रोशेट हुक से बनाया। एंड अब नेक्स्ट जब हम पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे, अब 6 नंबर का क्रोशेट हुक से पूरी फ्रॉक बना के रेडी करेंगे। अब इससे बड़ी कैसे बनाना है ये मैं आपको बताती जाऊंगी कैसे बनाना है। तो अब हम अपना पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे थर्ड रो। थर्ड रो से ही हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे अपनी बनाना। तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रो बनाना।
कि अब अपनी नेक्स्ट रो बनाना स्टार्ट करेंगे, अब हमारा पैटर्न बनना स्टार्ट हो जाएगा। टू, तो ये 6 नंबर का क्रोशेट हुक से बनाएंगे। 1 1 2, टू टर्न, वर्क को टर्न किया। ये देखिए, तो ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट है। 1 स्किप करके सेकेंड में डबल क्रोशेट लेंगे, 1 2 चैन, सेम प्लेस में 1 डबल क्रोशेट, स्किप 2 स्टिच, 1 2, थर्ड में 1 डबल क्रोशेट, 2 चैन एंड सेम प्लेस में 1 डबल क्रोशेट, स्किप 1 स्टिच, नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशेट। अब ये हमारा कॉर्नर है, कॉर्नर में फर्स्ट कॉर्नर, कॉर्नर में 1 2 2 डबल क्रोशेट, 1 चैन एंड 2 डबल क्रोशेट, 1 एंड 2, मार्क लगाएंगे 1 चैन स्पेस में। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट कंटिन्यू बनाएंगे, 1 डबल क्रोशेट बनाएंगे, नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशेट बनाएंगे, नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो ये हमारा बैक है, ये स्लीव्स है, तो कंटिन्यू डबल क्रोशेट बनाते हुए कॉर्नर तक आएंगे इसमें। तो यहाँ कॉर्नर तक आते हैं बनाते हैं डबल क्रोशेट, हर एक स्टिच में हमें डबल क्रोशेट बनानी है। कंटिन्यू हमने डबल क्रोशेट बनाया, ये सेकेंड मार्कर तक आएंगे बनाते हुए। तो ये हमारा बैक है, बैक में हमने 1 एंड 2 स्टिच, वी स्टिच है 1 एंड 2। नेक्स्ट कंटिन्यू हमने डबल क्रोशेट बना के कंप्लीट किया। अब हमारा ये सेकेंड कॉर्नर है, सेकेंड कॉर्नर में 1 2 1 चैन, सेम प्लेस में 1 एंड 2। अब हम फ्रंट बनाएंगे, ये तो फ्रंट है, स्लिप्स के बाद फ्रंट है हमारा, फ्रंट रेडी करेंगे बना के। नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशेट लेंगे, पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे 1 डबल क्रोशेट के बाद, 1 2, थर्ड में डबल क्रोशेट, तो स्किप 2 स्टिच, थर्ड वन में डबल क्रोशेट, 2 चैन, सेम प्लेस में डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये हमारा फर्स्ट वी स्टिच है, नेक्स्ट में स्टिच स्किप 2 स्टिच, 1 एंड 2, थर्ड में डबल क्रोशेट, 1 2 चैन, सेम प्लेस में 1 डबल क्रोशेट। नेक्स्ट स्किप 2 स्टिच, थर्ड में 1 डबल क्रोशेट, 2 चैन एंड 1 डबल क्रोशेट, सेम प्लेस में 1 2 3, 3 वी स्टिच बनकर रेडी हुई। नेक्स्ट में 1 2 2 स्टिच स्किप करके थर्ड में डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2 चैन, सेम प्लेस में 1 डबल क्रोशेट। वन टू थ्री फोर, फोर बन के रेडी हो गई वी स्टिच। नेक्स्ट में 1 2, थर्ड में 1 डबल क्रोशेट। ये हमारा थर्ड कॉर्नर है, ये फ्रंट में हमें 4 वी स्टिच बनाई, कॉर्नर सेकंड कॉर्नर में 1 चैन स्पेस में मार्कर लगाएंगे।
अभी हम लोग थर्ड कॉर्नर कंप्लीट करेंगे। आई थिंक समझ आ रहा होगा, मैं बहुत ही स्लो बता रही हूँ आपको। ये कॉर्नर है, कॉर्नर में हमें वन डबल क्रोशेट, टू सेम प्लेस में टू डबल क्रोशेट, वन चेयर एंड सेम प्लेस में वन डबल क्रोशेट एंड टू डबल क्रोशेट बनाने हैं। तो कॉर्नर हमको सेम ही बनाना है, देखिए टू डबल क्रोशेट, वन चेन, टू डबल क्रोशेट। ये हमारा थर्ड कॉर्नर है, बनकर रेडी हुआ। नेक्स्ट में वन डबल क्रोशेट, स्लीव्स का एरिया है, स्लीव्स है हमारी, कंटिन्यू डबल क्रोशेट बना के कंप्लीट करते हैं। देखिए ऐसे ये पूरा डबल क्रोशेट बनाते हुए कंटिन्यू कॉर्नर तक आएंगे। ये हमने कंप्लीट किया, कॉर्नर तक आए, लास्ट कॉर्नर कंटिन्यू डबल क्रोशेट बनाते हुए कंप्लीट किया हमने। कॉर्नर है, टू डबल क्रोशेट, वन एंड टू, चेन वन, सेम प्लेस में टू डबल क्रोशेट, वन एंड टू, वन चेन स्पेस में मार्कर लगा दें। नेक्स्ट फिर से पैटर्न स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमें टू वी स्टिच बनानी है, वन डबल क्रोशेट, स्किप टू स्टिच, वन टू, थर्ड में वन डबल क्रोशेट, टू चैन, सेम प्लेस में वन डबल क्रोशेट, स्किप टू स्टिच, वन एंड टू, थर्ड में थर्ड में बनाएंगे वन डबल क्रोशेट। वी स्टिच लेनी हमें यहाँ पे भी, टू चैन, सेम प्लेस में वन डबल क्रोशेट, लास्ट चैन, लास्ट में हमें वन डबल क्रोशेट लेनी है। ये हमारी फर्स्ट रो बनकर रेडी हो गई। बैक स्लीव्स एंड फ्रंट, फ्रंट में हमने फोर वी स्टिच बनाए, वन टू थ्री फोर, फ्रंट एंड बैक में वन टू, टू वी स्टिच है दोनों साइड, फ्रंट में फोर वी स्टिच है। कंटिन्यू हमने स्लीव्स में डबल क्रोशेट बना के कंप्लीट किया। अपनी नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे बनाना, अपनी नेक्स्ट रो बनाएंगे, चैन टू, वर्क को चैन करेंगे। फर्स्ट वी स्टिच का फर्स्ट डबल क्रोशेट है, देखिए ये, इसमें हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे, चैन टू चैन स्पेस में वन डबल क्रोशेट, वन चैन एंड सेम प्लेस में वन डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट है वी स्टिच का सेकंड, फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट बनाने के लिए हमें देखिए लूप को हुक में लिया, फ्रंट से उठा के हमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनानी है, टू लूप से निकालेंगे, फिर टू लूप से निकाल दिया, हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट। नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे, टू चैन स्पेस, वन डबल क्रोशेट, वन चैन एंड सेम प्लेस में वन डबल क्रोशेट, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट, वी स्टिच का डबल क्रोशेट है, सेम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब यहाँ से हमारा इंक्रीजिंग पॉइंट स्टार्ट होगा, ये देखिए, तो ये कॉर्नर से ही इंक्रीज होगा ये, तो ये हमारी स्लीव्स है, स्लीव्स का एरिया है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे बनाना। अभी हमारे वन टू एंड थ्री है,
बनाएंगे कंटिन्यू 3 डबल क्रोशेट, 1, 2 एंड 3 कॉर्नर है, फर्स्ट कॉर्नर 1 चैन स्पेस 1 डबल क्रोशेट, सेम प्लेस में 2 कॉर्नर में हमें 2 डबल क्रोशेट 1 चैन एंड सेम प्लेस में 2 डबल क्रोशेट बनाना है। ये देखिए हमारा ये इंक्रीज हुआ, पहले 3 थे अब 5 हो गए, साइड 5 है, ये पॉइंट भी इंक्रीज होगा। ये कंटिन्यू हम हमें स्लीव्स की डबल क्रोशेट बना के कंप्लीट करेंगे हर एक स्टिच में। डबल क्रोशेट और डबल क्रोशेट कंटिन्यू, यहाँ से कॉर्नर तक आएंगे बनाते हुए। ये देखिए हमने डबल क्रोशेट बनाते हुए कॉर्नर तक है, ये 1 चैन स्पेस है, ये फर्स्ट कॉर्नर है, आपको मार्कर लगाना है लगाने, तो ये 1 चैन स्पेस हमारा कॉर्नर ही है, तो मार्कर के लिए ये मार्कर लगाया हमने। कंटिन्यू हमने डबल क्रोशेट बनाए स्लिप्स का एरिया, यहाँ इस पॉइंट तक ये यहाँ पे भी इंक्रीज होगा हमारा, ये देखिए यहाँ से ये कॉर्नर की 2 डबल क्रोशेट है, यहाँ पे 1 बनाया, इसमें भी बनाएंगे हम कंटिन्यू डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 चैन स्पेस 2 डबल क्रोशेट 1 एंड 2 चैन 1 सेम प्लेस में 2 डबल क्रोशेट। तो कॉर्नर हमको सेम ही बनाने हैं, 2 डबल क्रोशेट 1 चैन एंड 2 डबल क्रोशेट। अब ये देखिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट है, यहाँ पे हमने बनाएंगे 1, 2 एंड 3 यहाँ पे इंक्रीज हुए हमारे, पहले हमने 1, 2, 3 अब हमारे 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये 5 हुए। वी स्टिच है, फर्स्ट फ्रंट पोस्ट बनाएंगे डबल क्रोशेट, 2 चैन स्पेस में 1 डबल क्रोशेट, चैन 1 सेम प्लेस में 1 डबल क्रोशेट, फ्रंट पोस्ट, नेक्स्ट वी स्टिच स्टार्टिंग फ्रंट पोस्ट से ही डायरेक्ट करेंगे, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट 2 चैन स्पेस 1 डबल क्रोशेट 1 चैन सेम प्लेस में 1 डबल क्रोशेट फ्रंट पोस्ट। ये देखिए वी स्टिच का सेकेंड डबल क्रोशेट है, ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट करेंगे, ये हमारा पैटर्न बनना स्टार्ट हो गया, बहुत ही प्यारा पैटर्न है। सेम पैटर्न का मैंने कुछ भी बना के रेडी किया था, आप लोगों ने उसको बहुत ही पसंद किया है, 10 to 12 ईयर गर्ल के लिए 1 चैन 2 चैन स्पेस में हमने 1 डबल क्रोशेट बनाया, 1 चैन फिर 1 डबल क्रोशेट फिर हम ये देखिए फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे, ये हमारी थर्ड वी स्टिच कंप्लीट हुई, फोर्थ वी स्टिच है, तो वो वी स्टिच है फर्स्ट डबल क्रोशेट वी स्टिच का फ्रंट पोस्ट डायरेक्ट बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट 2 चैन स्पेस 1 डबल क्रोशेट 1 चैन 2 चैन स्पेस में सेम प्लेस में 1 डबल क्रोशेट वी स्टिच का, ये सिर्फ लास्ट हमारा डबल क्रोशेट है, ये देखिए फोर्थ वी स्टिच का लास्ट डबल क्रोशेट फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, कंटिन्यू डबल क्रोशेट बनाएंगे 1, 2 एंड 3 अब इस पॉइंट में कॉर्नर है, इंक्रीज होंगे हमारे 2 1 चैन स्पेस 1 डबल क्रोशेट
टू डबल क्रोशेट, तो वन चैन स्पेस में हमने टू डबल क्रोशेट बनाया, वन चैन एंड सेम प्लेस में टू डबल क्रोशेट, ये हमारा कॉर्नर है। कंटिन्यू हम डबल क्रोशेट बनाते हुए लास्ट कॉर्नर तक आएंगे, ये कंप्लीट करेंगे, डबल क्रोशेट बनाते हुए पूरा यहाँ तक आएंगे, फिर नेक्स्ट पैटर्न बनाएंगे। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, बहुत ही स्लो बता रही हूँ, काफ़ी कंप्लेन आती है कि मैम आप बहुत फास्ट बताते हो, तो आज मैं बहुत स्लो बता रही हूँ, समझ आ रहा होगा आप सब। ये देखिए डबल क्रोशेट बनाते हुए कंप्लीट करेंगे, तो ये हमने अपनी रो कंप्लीट की, लास्ट कॉर्नर वन चैन स्पेस, ये देखिए तो हमने ध्यान से देखिए कॉर्नर के टू डबल क्रोशेट है, इनमें हमने कंटिन्यू डबल क्रोशेट बनाए हैं। अब हम वन चैन स्पेस में टू डबल क्रोशेट, वन टू चैन वन एंड सेम प्लेस में टू डबल क्रोशेट बनाएंगे, तो वन चैन स्पेस में टू डबल क्रोशेट, वन चैन एंड टू डबल क्रोशेट बनाए हमने, वन टू थ्री कंटिन्यू हमें थ्री डबल क्रोशेट बनाने हैं, वन टू, ये इंक्रीज हुआ हमारा कॉर्नर ही इंक्रीज होगा, तो इस साइड से हमने टू इंक्रीज किए, इस साइड से टू इंक्रीज किए। अब पैटर्न बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, डायरेक्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट, टू चैन स्पेस में वन डबल क्रोशेट, वन चैन एंड सेम प्लेस में वन डबल क्रोशेट, ये हमारा डबल क्रोशेट है। फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, यहाँ पे हमारी टू स्टिच थी, तो टू में पैटर्न बनाएंगे हम अपना, ये देखिए वन डबल फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे डायरेक्ट, टू चैन स्पेस में वन डबल क्रोशेट, वन चैन एंड वन डबल क्रोशेट, फ्रंट पोस्ट ये हमारी टू चैन है, टू चैन का वन एंड टू सेकेंड चैन में हमें वन डबल क्रोशेट बना के कंप्लीट करना है। ये देखिए ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हुआ, तो हम अपने पैटर्न से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, तो वन एंड टू सेकेंड रो हमारी कंप्लीट है। टू रो का पैटर्न है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बिल्कुल थ्री डी लुक है। ये देखिए चैन टू, वर्क को टर्न करेंगे, आपको मार्कर लगाना है लगाएं, नहीं तो ये वन चैन स्पेस है हमारे कॉर्नर का, ये देखिए ये कॉर्नर है, तो मार्कर अब मैं हटा देती हूँ। अब हम अपनी वन टू थर्ड रो स्टार्ट करेंगे, थर्ड रो में टू चैन लिया हमने, डायरेक्ट वन चैन स्पेस में हमें बनाना है वन डबल क्रोशेट, देखिए डायरेक्ट वन चैन स्पेस में टू चैन सेम प्लेस में वन डबल क्रोशेट बनाया हमने, फिर डायरेक्ट वन चैन स्पेस है, ये देखिए वन चैन स्पेस है, यहाँ पे हमें वन डबल क्रोशेट, टू चैन वन डबल क्रोशेट बनाने, तो ये वी स्टिच है हमारी, देखिए टू वी स्टिच है, फिर से पैटर्न बनना स्टार्ट हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे हमें देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमें वन एंड टू, ये फाइन स्टिच है, ये देखिए इस साइड से ये पूरा पैटर्न है, इसकी हमें टू रो, ये फ्रंट पोस्ट है एंड डबल क्रोशेट, ये टू रो स्किप करनी है, टू स्टिच स्किप करनी है, फ्रंट पोस्ट एंड डबल क्रोशेट, तो ये हमारा फाइन स्टिच है वन टू थ्री फोर, तो ये यहाँ पे हमारे लास्ट वन एंड टू, ये फ्रंट पोस्ट है, इसको स्किप करना है, वन एंड टू थर्ड में डबल क्रोशेट बनाना है, इस पॉइंट को ध्यान देना है, टू स्टिच स्किप कर थर्ड में बनाया, कंटिन्यू डबल क्रोशेट बनानी है हमें, कॉर्नर तक आएंगे, कॉर्नर वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव बनाए हमने, इंक्रीज करेंगे कॉर्नर में, वन चैन स्पेस है, टू डबल क्रोशेट, वन एंड टू चैन वन सेम प्लेस में टू डबल क्रोशेट, वन एंड टू,
अभी हमने थ्री, स्टार्टिंग में हमने 1 2 3 डबल क्रोशेट, उसके बाद हमने 1 2 3 4 5, अब है 1 2 3 4 5 6 7। तो कंटिन्यू हमारा हर एक रो में हमारा इंक्रीज होता जाएगा। तो अभी 3 5 7 कंटिन्यू बनाएंगे डबल क्रोशेट बनाते हुए, ये कॉर्नर तक आएंगे, यहाँ तक आते हैं बनाते हुए कंटिन्यू। आई थिंक समझ आ गया होगा कैसे बनाना है। तो हर एक स्टिच में हमें डबल क्रोशेट बनाते हुए कंप्लीट करना है, सेकंड कॉर्नर तक आएंगे। ये देखिए ऐसे ये बनाते हुए कॉर्नर तक आएंगे, ये देखिए कॉर्नर तक आए कंप्लीट करते हुए डबल क्रोशेट, 1 चैन स्पेस, 2 डबल क्रोशेट, 1 एंड 2, चैन 1 सेम प्लेस में 2 डबल क्रोशेट, 1 एंड 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे कंटिन्यू, 1 2 3 4 5। तो अब हमारे यहाँ पे 7 बन के रेडी होंगी, ये 2 चैन 2 डबल क्रोशेट ये कॉर्नर की, कंटिन्यू 5 बनाएंगे, 1 2 3 3 4 एंड 5, 5 बनाए हमने। अब 1 एंड 2 स्टिच, ये 1 चैन स्पेस में वी स्टिच बनाना है हमें, बहुत इजी है, 1 डबल क्रोशेट, 2 चैन सेम प्लेस में 1 डबल क्रोशेट। ये हमारी फर्स्ट वी स्टिच है, वी स्टिच हमारी कंटिन्यू 4 ही बनेंगी टोटल पैटर्न में, ये वी स्टिच ओनली हमें स्लिप्स में ही हमारा इंक्रीज है, बट पैटर्न हमारा सेम ही रहेगा। फ्रंट में 4 वी स्टिच एंड बैक में दोनों साइड 2 2 वी स्टिच बनेंगी। तो ये हमारा फर्स्ट वी स्टिच है, सेकंड 1 चैन स्पेस में, तो हमें 1 चैन स्पेस में ही बनाना है। ये जो फैन स्टिच हमने बनाई थी 1 चैन लिया था, इसमें बनाना है। तो ये 1 चैन स्पेस है, इसमें 1 डबल क्रोशेट, 2 चैन एंड 1 डबल क्रोशेट, 1 चैन स्पेस में बनाएंगे, 1 डबल क्रोशेट, 2 चैन, फिर 1 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से, अब यहाँ पे हमें 1 एंड 2 स्टिचेस, अभी हमारा ये 1 चैन स्पेस है, 2 स्टिच बनाएंगे, 1 डबल क्रोशेट, 2 चैन एंड 1 डबल क्रोशेट। अब यहाँ से हमें 1 एंड 2, ये देखिए फैन स्टिच का ये फ्रंट पोस्ट है एंड ये डबल क्रोशेट, ये 2 स्टिच हमें स्किप करना है, थर्ड से बनाना है। ये डबल क्रोशेट की रो है, ये देखिए साइड से ये डबल क्रोशेट की रो है, तो हमें इसी पॉइंट से बनाना है, 1 एंड 2 स्टिच स्किप कर थर्ड में बनाना है, 1 2 कंटिन्यू डबल क्रोशेट बनाएंगे, कॉर्नर है, कॉर्नर में 2 डबल क्रोशेट, 1 चैन एंड 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो ये हम पूरा यहाँ तक कॉर्नर तक आके कंप्लीट करेंगे, इस कॉर्नर तक आएंगे स्लिप्स कंप्लीट करेंगे यहाँ तक इस पॉइंट तक। ये देखिए हमने कॉर्नर कंप्लीट किया, स्लिप्स बनाते हुए कंटिन्यू हमने डबल क्रोशेट बनाए, देखिए 1 चैन स्पेस, 1 चैन स्पेस आया, कॉर्नर है लास्ट कॉर्नर, 4th कॉर्नर, 1 चैन स्पेस, 1 डबल क्रोशेट सेम प्लेस में 2 डबल क्रोशेट, चैन 1 सेम प्लेस में 2 डबल क्रोशेट। कॉर्नर में हमें 2 डबल क्रोशेट, 1 चैन एंड 2 डबल क्रोशेट ही बनाना है। नेक्स्ट वी स्टिच बनाएंगे, 1 चैन स्पेस डबल क्रोशेट बनाएंगे, कंटिन्यू डबल क्रोशेट बनानी है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो ये हमारा इंक्रीज हुआ यहाँ से, इस 5 डबल क्रोशेट, 2 कॉर्नर के डबल क्रोशेट, यहाँ पे 7 है, 3 5 एंड 7, तो ये इंक्रीज हुआ, इस साइड से भी इंक्रीज हुआ हमारा 2 2,
इस साइड से भी और इस साइड से इंक्रीज हुए हमारे। वी स्टिच बनाएंगे, वन चैन स्पेस, डबल क्रोशेट वन, वन चैन सॉरी टू चैन, सेम प्लेस में वन डबल क्रोशेट। नेक्स्ट वी स्टिच बनाएंगे वन चैन स्पेस में, वन डबल क्रोशेट, टू चैन, सेम प्लेस में वन डबल क्रोशेट, वन एंड टू, टू चैन है यहाँ पे हमने ली थी लास्ट में, वन टू सेकेंड चैन में हमें डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये कुछ सीधा आएगा, टू चैन वर्क को टर्न करेंगे तो हमने वन वन टू थ्री, थ्री रो कंप्लीट की, फोर्थ रो स्टार्ट करेंगे बनाना। देखिए तो यहाँ से वी स्टिच है, हमारा पैटर्न बनना स्टार्ट हो जाएगा डायरेक्ट। ये वी स्टिच का फर्स्ट डबल क्रोशेट है, फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट टू चैन स्पेस में वन डबल क्रोशेट, वन चैन एंड वन डबल क्रोशेट, फ्रंट पोस्ट डायरेक्ट फ्रंट पोस्ट बनाएंगे नेक्स्ट वी स्टिच में, टू चैन स्पेस में वन डबल क्रोशेट, वन चैन वन डबल क्रोशेट, फ्रंट पोस्ट। तो ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हुआ, वन एंड टू सेकेंड पैटर्न बनना स्टार्ट हो गया, कंप्लीट होना। कंटिन्यू डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो ये आपको समझ आ गया होगा कैसे बनाना है पैटर्न हमें। बहुत ही ब्यूटीफुल स्टिच है, बहुत इजी है, बट बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रॉक लगती है। ये देखिए तो ये हम सेम बनाएंगे, इस पॉइंट तक आएंगे, इसके बाद ये फोर वी स्टिच है, इसका भी पैटर्न बना के कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम स्लीव्स का एरिया कंप्लीट करेंगे, कॉर्नर तक आएंगे। ये हमने अपना सेकंड कॉर्नर भी कंप्लीट किया बना के, फ्रंट वी स्टिच फोर है, वन टू थ्री फोर फ्रंट है, पैटर्न कंप्लीट करेंगे बना के। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट, टू चैन स्पेस में वन डबल क्रोशेट, वन चैन सेम प्लेस में वन डबल क्रोशेट, फ्रंट पोस्ट, नेक्स्ट वी स्टिच फ्रंट पोस्ट वन डबल क्रोशेट, वन चैन एंड वन डबल क्रोशेट, देन फ्रंट पोस्ट, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट, नेक्स्ट वी स्टिच टू चैन स्पेस वन डबल क्रोशेट, वन चैन एंड वन डबल क्रोशेट, फ्रंट पोस्ट, वन फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट। ठीक है, थ्री कंप्लीट किए, फोर्थ वी स्टिच, फोर्थ में फर्स्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट, टू चैन स्पेस इन वन डबल क्रोशेट, वन चैन सेम प्लेस वन डबल क्रोशेट, देन फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट, देन कंटिन्यू डबल क्रोशेट की रो कंप्लीट करेंगे। कंटिन्यू डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट और डबल क्रोशेट बनाते हुए लास्ट कॉर्नर तक आएंगे बनाते हुए, फिर ये सेम कंप्लीट करेंगे। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कैसे बनाना है अभी। तो ये हम टोटल बना के ये रो कंप्लीट करेंगे पहले, उसके बाद फिर नेक्स्ट रो बनाएंगे, टर्न करके वी स्टिच की रो बनाएंगे, फिर पैटर्न कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे हम टोटल बना के पहले कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमने रो कंप्लीट की, ये कॉर्नर कंप्लीट किया लास्ट कॉर्नर, कंटिन्यू डबल क्रोशेट बनाते हुए लास्ट पैटर्न कंप्लीट करेंगे बनाते हुए। वी स्टिच के टू वी स्टिच हैं, फ्रंट पोस्ट, टू चैन स्पेस वन डबल क्रोशेट, वन चैन टू चैन स्पेस वन डबल क्रोशेट, सेम प्लेस में फ्रंट पोस्ट, सेम फ्रंट पोस्ट वन डबल क्रोशेट, वन चैन फ्रंट वन डबल क्रोशेट एंड फ्रंट पोस्ट, टू चैन तो वन एंड टू सेकेंड चैन में डबल क्रोशेट कंप्लीट करेंगे बना के।
वन एंड टू, सेकेंड चैन में डबल क्रोशेट लेंगे, टू चैन, टर्न, वर्क को टर्न करेंगे। देखिए वन चैन स्पेस में बीस स्टिच फिर से बनाएंगे, सेम बनाएंगे, वन चैन स्पेस में वन डबल क्रोशेट, टू चैन, सेम प्लेस पे वन डबल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट वन चैन स्पेस, वन डबल क्रोशेट, टू चैन एंड वन डबल क्रोशेट, कंटिन्यू डबल क्रोशेट बनाएंगे, वन टू स्किप करके थर्ड से स्टार्ट करेंगे बनाना, कंटिन्यू बनाएंगे डबल क्रोशेट। ये हम देखे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे पूरा पैटर्न बनाते हुए हम, तो बैक है, फ्रंट है एंड स्लीव्स है। ये टोटल सेवन रो बना के हम अपनी कंप्लीट करेंगे। पहले ये फ्रॉक हम वन से टू ईयर बेबी के लिए बना रहे हैं। अगर आपको इस टू ईयर बेबी से थोड़ी बड़ा साइज़ बनाना है तो आप ये फ्रॉक हम सेवन रो बनाने के बाद स्लीव्स ज्वाइन करेंगे, उसके बाद थ्री चैन लेने के बाद फाइव फोर रो बना के कंप्लीट करेंगे। अगर आपको बड़ा साइज़ बनाना है तो एट रो बनाने के बाद स्लीव्स ज्वाइन करेंगे, उसके बाद स्लीव्स ज्वाइन करने के बाद फाइव या सिक्स रो नीचे की बनाएंगे। कंटिन्यू डबल क्रोशेट की रो बनानी है तो आपका टू ईयर बेबी से बड़ा साइज़ बनकर रेडी हो जाएगा, थोड़ी सी बड़ी फ्रॉक भी बनकर रेडी हो जाएगी। तो पहले हम सेवन रो बना के कंप्लीट करेंगे। तो ये हमने अपनी टोटल सेवन रो बना के कंप्लीट की। देखिए फाउंडेशन चैन एंड सिंगल क्रोशेट की रो काउंट नहीं करेंगे, नेक्स्ट रो से स्टार्टिंग करेंगे काउंटिंग, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, सेवन रो कंप्लीट की। तो यहाँ से हमारा ये मेजरमेंट है 10 इंच का, एंड अगर आपको थोड़ा सा बड़ा बनाना है तो ये जो वी स्टिच है इसका पैटर्न आप पूरा कंप्लीट करें, एट रो के बाद आप स्लीव्स को ज्वाइन करें, तो आधा इंच कवर हो जाएगा इसमें। ये तो जब एक रो आप बढ़ाएंगे पैटर्न कंप्लीट करेंगे तो हाफ इंच साइज बड़ा हो जाएगा। टू चैन, फ्रंट पोस्ट, टू चैन स्पेस में वन डबल क्रोशेट, वन चैन, वन डबल क्रोशेट, फ्रंट पोस्ट, नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट, टू चैन स्पेस, वन डबल क्रोशेट, वन चैन, वन डबल क्रोशेट, सेम प्लेस में फ्रंट पोस्ट, फ्रंट पोस्ट डबल बनाया, स्टार्टिंग यहाँ से डबल क्रोशेट कंटिन्यू बनाएंगे, ये कंप्लीट करेंगे, इस कॉर्नर तक आएंगे, ये कॉर्नर है, ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर है, फर्स्ट कॉर्नर तक आके कंप्लीट करेंगे। ये देखिए डबल क्रोशेट कंप्लीट की बना के कॉर्नर में आए, फर्स्ट कॉर्नर है हमारा। ये देखिए कॉर्नर में हम वन डबल क्रोशेट बनाएंगे, वन थ्री चैन, वन टू एंड थ्री, थ्री चैन लेंगे यहाँ पे। अब ये सेकेंड कॉर्नर है हमारा, इसमें ज्वाइन करेंगे, डबल क्रोशेट लेते हुए ज्वाइन करेंगे। ये देखिए नेक्स्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे, सेम बनाएंगे डबल क्रोशेट बनाते हुए, यहाँ से देखिए ये कंटिन्यू डबल क्रोशेट बनाते हुए आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ तक कंप्लीट करेंगे आते हुए, सेम बनाएंगे, फिर यहाँ से हम पैटर्न बनाएंगे, इस पॉइंट से बनाते हुए पूरा इस कॉर्नर तक आएंगे, अपने थर्ड कॉर्नर से आएंगे। ये देखिए पूरा सेम पैटर्न भी बनाएंगे यहाँ पे, डिजाइन बनाते हुए पूरा यहाँ इस पॉइंट तक आएंगे, कॉर्नर तक आएंगे बनाते हुए। ये हमारी फर्स्ट स्लिप ज्वाइन हो गई। ये देखिए ये आ गए हम डबल क्रोशेट बनाते हुए, पैटर्न बनाएंगे अपना, डिजाइन बनाएंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, टू चैन स्पेस, वन डबल क्रोशेट, वन चैन, वन डबल क्रोशेट, सेम प्लेस में फ्रंट पोस्ट,
डबल क्रोशेट बनाएंगे, नेक्स्ट में फ्रंट पोस्ट ही डायरेक्ट बनाएंगे, टू चैन स्पेस, वन डबल क्रोशेट, वन चैन, वन डबल क्रोशेट, सिंपल जी। फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, नेक्स्ट में फ्रंट पोस्ट डायरेक्ट, वन डबल क्रोशेट, टू चैन स्पेस में, वन चैन एंड टू चैन स्पेस में, वन डबल क्रोशेट, फ्रंट पोस्ट डायरेक्ट, फ्रंट पोस्ट आएंगे नेक्स्ट में, टू चैन स्पेस है, वन डबल क्रोशेट, वन चैन एंड वन डबल क्रोशेट, सेम प्लेस में, फ्रंट पोस्ट, एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाया हमने। अब ये कंटिन्यू डबल क्रोशेट बनाते हुए यहाँ से इस कॉर्नर तक आएंगे, थर्ड कॉर्नर में आएंगे। देखिए हमने कंप्लीट किया डबल क्रोशेट रो। अब ये कॉर्नर है हमारा, कॉर्नर में वन चैन स्पेस है, वन डबल क्रोशेट, थ्री चैन, थ्री चैन, नेक्स्ट कॉर्नर ये लास्ट कॉर्नर है, ज्वाइन करेंगे डबल क्रोशेट लेते हुए, ये ज्वाइनिंग की हमने, नेक्स्ट में डबल क्रोशेट, कंटिन्यू डबल क्रोशेट बनाएंगे, डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर ये पैटर्न बना के कंप्लीट करेंगे पूरा। तो ये रो अपनी कंप्लीट करेंगे बनाते हुए। डबल क्रोशेट और डबल क्रोशेट ही बनानी है कंटिन्यू हर एक स्टिच में। सेम बनाते हुए ये कंप्लीट करेंगे। ये हमने कंप्लीट किया लास्ट टू चैन, वन टू, टू चैन में हम डबल क्रोशेट बनाएंगे, टू चैन, वर्क को टर्न करेंगे, सेम बनाएंगे पैटर्न। ये हमारा सेम अभी बनेगा पैटर्न, वी स्टिच लेंगे, वन चैन स्पेस में, वन डबल क्रोशेट, टू चैन, सेम प्लेस में वन डबल क्रोशेट। ये सेम बनाते हुए ये देखिए डायरेक्ट वन चैन स्पेस में, वन डबल क्रोशेट, टू चैन एंड वन डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये वी स्टिच की रो कंटिन्यू हम डबल क्रोशेट बनाएंगे, इस पॉइंट तक आएंगे बनाते हुए। ये देखिए कंप्लीट किया हमने डबल क्रोशेट बनाते हुए, ये थ्री चैन, यहाँ से वन डबल क्रोशेट लेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट में वन, थ्री चैन, यहाँ पे तो वन हो गई हमारी, टू, जितनी चैन है उतनी ही लेना है, वन टू एंड थ्री, थ्री डबल क्रोशेट लिए हमने कंटिन्यू हर एक स्टिच में। ये देखिए थ्री डबल क्रोशेट लिए कंटिन्यू, नेक्स्ट वन चैन, ये सॉरी नेक्स्ट डबल क्रोशेट कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे पुराना। ये यहाँ से यहाँ तक आएंगे बनाते हुए, सेम वी स्टिच बनाएंगे, यहाँ पे हमारी फोर वी स्टिच बनेगी, वन टू थ्री फोर, फोर वी स्टिच बनाएंगे कंटिन्यू बनाते हुए। ये हम अपनी रो अपनी पूरी कंप्लीट करेंगे, सेम थ्री सेम पॉइंट जैसे बनाएंगे अभी, ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे पहले। तो ये देखिए हमने कंप्लीट किया पूरी रो कंप्लीट की, तो ये हम टोटल फाइव रो सॉरी फोर रो बना के कंप्लीट करेंगे, वन ऑलरेडी बन चुकी है टू, तो ये टू पैटर्न बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए वी स्टिच, इसके बाद हमारा पैटर्न कंप्लीट होगा, वन रो उसके बाद टू रो, तो थ्री रो कंटिन्यू और बनाएंगे, टोटल हम फोर रो बना के कंप्लीट करेंगे। पहले कंटिन्यू बनानी है हमें, यहाँ से पैटर्न बनाना है, इसके बाद ये डबल क्रोशेट बनानी है, फिर पैटर्न बनाएंगे, ये कंटिन्यू हमें बनानी है, फोर रो तक कंप्लीट करना है। फिर टोटल हमने फोर रो बना के कंप्लीट की, वन टू थ्री एंड फोर, फोर रो बना के कंप्लीट की, ज्वाइन करेंगे।
1 2, ये जो टू चैन है 1 एंड 2, लास्ट चैन से ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से, ज्वाइन किया 4 चैन 1 2, टू डबल क्रोशेट एंड 2 चैन स्पेस की, सेम वी स्टिच बनाएंगे, सेम प्लेस में हम 1 डबल क्रोशेट लेंगे। ये हमारा फर्स्ट वी स्टिच है। नेक्स्ट 1 चैन स्पेस में वी स्टिच बनाएंगे, 1 डबल क्रोशेट 2 चैन सेम प्लेस में 1 डबल क्रोशेट। सेकेंड अब वी स्टिच है एंड ये टू फ्रंट है, ये देखिए टू फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट इनके सेंटर में बनाएंगे। 1 डबल क्रोशेट लिया फ्रंट पोस्ट के बीच से, सेंटर से 2 चैन सेम प्लेस में 1 डबल क्रोशेट। 1 2 3, 3 वी स्टिच रेडी हो गए। नेक्स्ट 1 चैन स्पेस में 1 डबल क्रोशेट 2 चैन सेम प्लेस में 1 डबल क्रोशेट। अब इस पॉइंट में बनाएंगे, ये देखिए फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट फ्रंट है एंड डबल है, सेंटर में बनाएंगे, दोनों के बीच में वी स्टिच लेंगे, 1 डबल क्रोशेट 2 चैन एंड सेम प्लेस में 1 डबल क्रोशेट। स्किप 1 स्टिच, नेक्स्ट में वी स्टिच, 1 डबल क्रोशेट 2 चैन 1 डबल क्रोशेट। स्किप 1 स्टिच, नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशेट 2 चैन सेम प्लेस में 1 डबल क्रोशेट। स्किप 1 स्टिच, नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशेट एंड 2 चैन सेम प्लेस में 1 डबल क्रोशेट। आई थिंक समझ आ गया होगा आपको कैसे बनानी। ये वी स्टिच बनाते हुए इस पॉइंट तक आएंगे जस्ट बिफोर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट, इस पॉइंट तक आएंगे बनाते हुए, तो ये वी स्टिच पूरी कंप्लीट करेंगे इस पॉइंट पर, ये देखिए एंड जस्ट फिनिश वी स्टिच बिफोर फ्रंट पोस्ट। नेक्स्ट 1 चैन स्पेस, 1 डबल क्रोशेट 2 चैन सेम प्लेस 1 डबल क्रोशेट। नेक्स्ट 2 फ्रंट पोस्ट बिटवीन वी मेक डबल क्रोशेट 2 चैन सेम प्लेस में ये डबल क्रोशेट। 1 चैन स्पेस, 1 डबल क्रोशेट 2 चैन सेम प्लेस में 1 डबल क्रोशेट। फ्रंट पोस्ट ये 1 एंड 2 फ्रंट पोस्ट के बिटवीन में बनाएंगे, ये देखिए फ्रंट पोस्ट के बीच में बनाएंगे डबल क्रोशेट 1 2 चैन सेम प्लेस में 1 डबल क्रोशेट। 1 चैन स्पेस वी मेक वी स्टिच, 1 डबल क्रोशेट 2 चैन एंड सेम प्लेस में 1 डबल क्रोशेट। बिटवीन 2 फ्रंट वी मेक वी स्टिच, 1 डबल क्रोशेट 2 चैन एंड 1 डबल क्रोशेट। 1 चैन स्पेस वी मेक वी स्टिच, 1 डबल क्रोशेट 2 चैन एंड 1 डबल क्रोशेट। नेक्स्ट में ये फ्रंट पोस्ट, ये देखिए फ्रंट पोस्ट एंड डबल क्रोशेट बिटवीन 1 वी स्टिच 2 चैन सेम प्लेस में 1 डबल क्रोशेट। तो ये सेम कंटिन्यू अपना वर्क कंप्लीट करेंगे बनाते हुए, यहाँ से पूरा इस पॉइंट तक आएंगे बनाते हुए, कंटिन्यू वी स्टिच कंप्लीट करेंगे इस पॉइंट तक। वी स्टिच को कंप्लीट की, 1 एंड 2 टू चैन से ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से, 1 चैन स्पेस में आएंगे 3 चैन सेम प्लेस में 3 चैन 2 चैन हमारा डबल क्रोशेट एंड 1 चैन स्पेस है सेम प्लेस में 1 डबल क्रोशेट फ्रंट पोस्ट।
हमारा फर्स्ट पैटर्न बनकर रेडी हो गया। ये देखिए ये जो थ्री चैन है, जब हम पूरा कंप्लीट करेंगे, रो पूरी कंप्लीट करेंगे, तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बन के ये पैटर्न कंप्लीट होगा। नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट, टू चैन स्पेस, वन डबल क्रोशेट, वन चैन, सेम प्लेस में वन डबल क्रोशेट, फ्रंट पोस्ट। नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट, टू चैन स्पेस, वन डबल क्रोशेट, वन चैन, सेम प्लेस में वन डबल क्रोशेट, फ्रंट पोस्ट डबल। ये हमने अपने पैटर्न कंप्लीट किया, सेम बनाएंगे। ये देखिए फिर से वी मेक फ्रंट पोस्ट इन टू चैन स्पेस, वन डबल क्रोशेट, वन चैन, सेम प्लेस में वन डबल क्रोशेट, एंड देन मेक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट, फ्रंट पोस्ट इन टू चैन, वी मेक वन डबल क्रोशेट, वन चैन, इन सेम प्लेस वन डबल क्रोशेट, एंड देन वी मेक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट, फ्रंट पोस्ट। नेक्स्ट इन टू चैन स्पेस, वन डबल क्रोशेट, वन चैन, इन सेम प्लेस में वन डबल क्रोशेट, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट। कंटिन्यू अपनी रो, सेम कंटिन्यू बनाते हुए कंप्लीट करना है हमको, इस पॉइंट तक आएंगे। ये हमने अपने पूरी राउंड, पूरा राउंड कंप्लीट किया। लास्ट वी स्टिच, फ्रंट पोस्ट, टू चैन स्पेस, वन डबल क्रोशेट, वन चैन, सेम प्लेस में वन डबल क्रोशेट, फ्रंट पोस्ट, अब ये वाला हमें पैटर्न कंप्लीट करना है। यहाँ पे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, ये देखिए थ्री चैन है, फ्रंट पोस्ट लेंगे, स्टार्टिंग की वन टू थ्री, थ्री चैन है, तो यहाँ टू चैन से ज्वाइन करेंगे, वन एंड टू, ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट। टू चैन से ज्वाइन किया हमने, ये वन चैन स्पेस है, ये थ्री चैन ली थी हमने स्टार्टिंग में, ये टू चैन हमारा डबल क्रोशेट है, वन चैन स्पेस है, ये वन चैन स्पेस है, इसमें हम आएंगे स्लिप स्टिच लेते हुए फोर चैन, वन टू थ्री एंड फोर, फोर चैन, सेम प्लेस में, तो ये हमारा फर्स्ट वी स्टिच रेडी हो रहा बन के। ये देखिए अब हम वन चैन स्पेस में आएंगे डायरेक्ट, ये जो वन चैन स्पेस है नेक्स्ट वी स्टिच का, इस पॉइंट में आएंगे, वन डबल क्रोशेट, टू चैन, सेम प्लेस में वन डबल क्रोशेट, नेक्स्ट वन चैन स्पेस, वन डबल क्रोशेट, टू चैन, वन डबल क्रोशेट, नेक्स्ट वी स्टिच, सॉरी नेक्स्ट वन चैन स्पेस, वन डबल क्रोशेट, टू चैन, वन डबल क्रोशेट, नेक्स्ट वी स्टिच, नेक्स्ट वन चैन स्पेस, टू चैन, सेम प्लेस में वन डबल क्रोशेट, नेक्स्ट वन चैन स्पेस, वन डबल क्रोशेट, टू चैन, सेम प्लेस में वन डबल क्रोशेट। कंटिन्यू हम अपने ये पैटर्न कंप्लीट करेंगे वी स्टिच को, ये तो कंप्लीट करके इस पॉइंट तक आएंगे फिर से। तो ये हमने अपनी वी स्टिच को पूरी कंप्लीट की बना के, अब
वन टू थ्री फोर, फोर चैन लिए थे, तो यहाँ टू टू चैन हमारा वन डबल क्रोशेट है एंड टू चैन स्पेस है, तो ये वी स्टिच है, टू चैन से वन एंड टू सेकेंड चैन से ज्वाइन करेंगे, स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया सेकेंड चैन से, अब टू चैन स्पेस में आएंगे स्लिप स्टिच लेते हुए, थ्री चैन वन टू एंड थ्री, थ्री चैन सेम प्लेस में वन डबल क्रोशेट फ्रंट पोस्ट, थ्री चैन वन टू चैन हमारा वन डबल क्रोशेट है वन चैन स्पेस के लिए, एंड देन जब हम राउंड कंप्लीट करेंगे तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट है। नेक्स्ट में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट टू चैन स्पेस वन डबल क्रोशेट वन चैन सेम प्लेस वन डबल क्रोशेट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट, नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट टू चैन स्पेस वन डबल क्रोशेट वन चैन इन सेम प्लेस वन डबल क्रोशेट एंड फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट, ये कंप्लीट हुआ हमारा पैटर्न। ये देखिए कि सेम बनाते हुए कंटिन्यू हम बनाते हुए ये कंप्लीट करेंगे। स्टार्टिंग में हमने ये वी स्टिच में हमने फोर चैन ली, जब हमें पैटर्न कंप्लीट करना है तो थ्री चैन लेना है, तो ये पूरी हम अपनी लेंथ कंप्लीट करेंगे फ्रॉक की, जितनी हमें लेंथ लेनी है तो फ्रॉक कर फ्रॉक की लेंथ कंप्लीट करेंगे पूरी, तो हमको जितनी लेंथ चाहिए हमने अपने फ्रॉक की बना ली, लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग लो, मैंने शॉर्ट लेंथ ली है ये देखिए, तो हमने अपनी लेंथ कंप्लीट की बना के, अब वूल को कट कर देंगे ज्वाइन कर, एंड ज्वाइन देखिए कितना परफेक्ट हमारी फ्रॉक ज्वाइन है, ये देखिए यहाँ से लाइन सीधी बिल्कुल परफेक्ट ज्वाइनिंग, कहीं से भी देखिए बिल्कुल क्लियर ज्वाइन है। अब हम लास्ट ज्वाइन करेंगे यहाँ पे फ्रंट पोस्ट, वन टू ये ज्वाइन किया हमने, वूल को कट कर देंगे सॉरी, वन चैन स्पेस में स्लिप स्टिच एंड वूल को कट कर देंगे, तो बॉर्डर को बनाने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट लुक देंगे बॉर्डर में, तो हम कोई सा भी कलर चेंज करके लगाएंगे दूसरा कलर, आप सेम कलर का भी बॉर्डर बना सकते हो, बट हम दूसरा कलर देंगे लगाएंगे, ये नॉट लगाई हमने, आप कहीं से भी ज्वाइन करें वूल को जहाँ से आपको इजी लगे कहीं से, क्योंकि हमें सिंगल क्रोशेट की रो ही बनानी है कंटिन्यू, ज्वाइन किया, नेक्स्ट में स्लिप स्टिच लेके ज्वाइन करेंगे, वूल ज्वाइन किया हमने, अब हर एक स्टिच में हर एक स्टिच में हमें सिंगल क्रोशेट बनाते हुए रो को कंप्लीट करना है, ये देखिए, ये देखिए हमने बनाए सिंगल क्रोशेट, तो पूरा रो बनाते हुए हमें ये कंप्लीट करनी है, इस पॉइंट तक आना है, एवरी स्टिच में वन वन सिंगल क्रोशेट लेते हुए हमें यहाँ तक कंप्लीट करना है बनाते हुए, हमने रो कंप्लीट की सिंगल क्रोशेट बनाते हुए ज्वाइन लेंगे यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे,
थ्री चेन, सेम प्लेस पे वन डबल क्रोशेट, वन वन टू स्किप टू स्टिच, थर्ड वन में सिंगल क्रोशेट, थ्री चेन, सेम प्लेस पे सिंगल डबल क्रोशेट लेंगे, वन टू स्किप टू स्टिच, थर्ड में सिंगल क्रोशेट, थ्री चेन, सिंगल क्रोशेट स्टिच है, सेम बनाएंगे डबल क्रोशेट सेम स्टिच में, वन एंड टू स्टिच स्किप करके थर्ड में सिंगल क्रोशेट। ये हम अपनी रूप पूरी कंप्लीट करेंगे सेम बनाते हुए। लास्ट रूप कंप्लीट करेंगे बनाते हुए, वूल को कट कर देंगे ज्वाइन करके। ये देखिए हमने लास्ट रूप कंप्लीट की, हमने एक लाइन ये, अब ये बटन होल का बॉर्डर बनाएंगे बैक साइड से। यहाँ से इसके लिए हमें सेम वूल लेनी है, ज्वाइन करेंगे यहाँ से। यहाँ पे हमें हाफ डबल क्रोशेट लेनी है, हर एक स्टिच में हाफ डबल क्रोशेट लेते हुए तो हर एक स्टिच में हमें हाफ डबल क्रोशिया लेना है। शूल को भी साथ में लेते हुए ये डबल क्रोशेट रो है, ये हमारी वन रो है डबल क्रोशेट की, इसमें भी हम हाफ डबल क्रोशेट लेंगे। हाफ डबल क्रोशेट बनाते हुए इस पॉइंट तक आएंगे, ये जो पॉइंट है यहाँ से इस पॉइंट तक आएंगे। अब ये जो हमारी लास्ट रो है, ये लास्ट रो है, इस पॉइंट तक आना है, ये लास्ट रो है, इस पॉइंट तक आएंगे बनाते हुए डबल क्रोशेट। डबल क्रोशेट हमने बनाई हर एक स्टिच में, ये लास्ट है, इस साइड आएंगे। ये जो हमारी लास्ट, ये लास्ट रो है, ये इस पॉइंट तक हमें आना है बनाते हुए, तो हम यहाँ पे हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये जो हमारा ये बैक साइड का गैप है उसको कम करना है, स्लिप स्टिच लेंगे। और हम ये लास्ट रो है, ये देखिए ये वाली लास्ट रो, ये लास्ट डबल क्रोशेट रो इस पॉइंट तक आएंगे। वन से स्लिप स्टिच लिया, एक स्लिप स्टिच और लेंगे, सेम हम डबल क्रोशेट को स्टार्ट करेंगे, हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे, सेम बनाएंगे जैसे इस साइड बनाया भी हमने, सब बनाएंगे। यहाँ पे बनाएंगे तो हमें बटन होल अगर बनानी है आपको तो बनाएं, ये तो बहुत स्पेस रहता है। ये देखिए तो बटन होल हमें बनाना है, एक इस पॉइंट में बनाएंगे, एक इस पॉइंट में बनाएंगे एंड एक इस पॉइंट में, तो वन वन टू एंड थ्री, थ्री बटन होल्स बनाएंगे। आप चाहे तो मार्कर लगा लें, आपको जहाँ पे बटन होल लगाना बनाना है तो पहले हम
इस पॉइंट पे बनाएंगे, आएंगे इस पॉइंट पे बनाएंगे बटन होल वन, सिंगल डबल क्रोशेट हाफ डबल क्रोशेट लेते हुए इस पॉइंट में आएंगे बनाते हुए। तो आप मार्कर भी लगा सकते हो कि हमें कहाँ पे बटन होल बनानी है। ये वन टू थर्ड, थर्ड रो में हम आएंगे, ये थर्ड रो आ गई। अब हम यहाँ पे टू चैन लेंगे, अगर आपकी बटन बड़ी है तो आप थ्री चैन लें, अपने हिसाब से लें चैन। ये बटन ऑलरेडी हो गया बन के। नेक्स्ट में सेम हम, ये हमारा फर्स्ट बटन होल है, उसके बाद वन टू थर्ड में फिर एक बनाएंगे, वन टू ये इस पॉइंट में एक बनाएंगे लास्ट यहाँ पे। तो ये पूरा बना के हम फिनिश करेंगे, वूल को कट करके वूल को इनसाइड से इन कर देंगे। ये अब हम स्लीव्स ज्वाइन कर स्लीव्स बनाएंगे यहाँ से ज्वाइन करेंगे, इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। वन चैन, नेक्स्ट में स्लिप स्टिच लेंगे पहले। ये देखिए नेक्स्ट ये यहाँ पे कॉर्नर है, यहाँ पे स्लिप स्टिच लेंगे, लॉक करेंगे, सिंगल क्रोशेट की रो बनाएंगे, हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशेट ही बनाएंगे, सेम बनाएंगे जैसे अभी हमने फ्रॉक की बॉटम में बनाया लास्ट रो, सेम बनाएंगे। ये सिंगल रो की रो कंप्लीट करेंगे, हर एक स्टिच में बनाते हुए इस पॉइंट तक आएंगे। ये देखिए सिंगल क्रोशेट की रो कंप्लीट की हमने, इस पॉइंट में आएंगे, सिंगल क्रोशेट लेंगे। अब ये जो स्पेस है इसको कम करना है यहाँ से, तो यहाँ पे एक स्लिप स्टिच लेंगे, फिर नेक्स्ट में स्लिप स्टिच लेंगे, ये यहाँ पे स्लिप स्टिच लेंगे, ये जो स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था यहाँ पे आएंगे स्लिप स्टिच लेते हुए, थ्री चैन लेंगे, सॉरी थ्री चैन, वन टू एंड थ्री, थ्री चैन, सेम प्लेस पे डबल क्रोशेट लेंगे, वन टू थ्री, टू स्टिच स्किप करके थर्ड में सिंगल क्रोशेट सेम बनाना है, हमने ये लास्ट रो बनाई थी सेम बना, थ्री चैन, ये हम अपनी रो बना के कंप्लीट करेंगे स्लीव्स, इसकी टू स्टिच थर्ड वन सिंगल क्रोशेट। ये देखिए ये हम अपनी पूरी स्लीव्स बना के कंप्लीट करेंगे, दोनों स्लीव्स बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए अगर आपको स्पेस ज़्यादा लग रहा है, ये देखिए आप यहाँ से थोड़ी दूर से स्लिप स्टिच लेते हुए कम कर सकते हैं। ये देखिए हमने स्लीव्स कंप्लीट की, अगर फिर भी आपको स्पेस कम लग रहा है, मैंने पहले बताया कि थोड़ी दूर से आप स्लिप स्टिच लेंगे स्पेस कम करने के लिए तो कम हो जाएगा, अगर फिर भी आपको स्पेस ज़्यादा लग रहा है तो लास्ट की रो भी आप थोड़ी सी यहाँ पे यहाँ तक बनाएंगे। ये देखिए तो यहाँ तक हमने ये डिज़ाइन ये पैटर्न बनाते हुए यहाँ तक आएंगे, ये देखिए लास्ट रो तक। अब ये जो गैप है ये हमें कम करना है स्पेस, तो यहाँ पर हम स्लिप स्टिच ले लेंगे टू और वन, डिज़ाइन नहीं बने यहाँ पे पैटर्न नहीं बनाएंगे, वन
एंड टू लास्ट में ज्वाइन कर देंगे। यहाँ से स्लिप स्टिच लिया, ज्वाइन कर देंगे, फूल को कट भी कर देंगे। ये हमने ज्वाइन किया, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारी स्लीव्स भी ज्वाइन हो गई, स्पेस भी बिल्कुल नहीं है। ये देखिए बिल्कुल इन साइड से एंड कर देंगे। अपनी सेकेंड स्लीव्स भी कंप्लीट करेंगे बना के सेम। तो आपको समझ आ गया होगा स्पेस कैसे कम करना है। ये देखिए ये हमारी स्लीव्स बनकर रेडी हुई, सेकेंड भी बनाएंगे, इस वाली भी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स फ्रॉक बनकर हमारी रेडी हो चुकी है, बैक है एंड ये फ्रंट है। कितना ब्यूटीफुल फ्रॉक बनकर रेडी हुआ है। एंड ये बेल्ट, इसके इस बेल्ट का वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स पूरी फ्रॉक बनकर हमने रेडी कर ली है। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें एंड कमेंट करके बताएगा कि मेरी बनाई हुई ये बेबी फ्रॉक आपको कैसी लगी। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ।